हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है कि दोस्तों बिहार से निकल कर आई खबर कि बिहार में MVI और ESI के 303 पदों पर जबरदस्त बहाली होने वाली। दोस्तों ये बहुत ही दिनों के बाद ये बहाली हो रही है, लगभग बहुत दिन पहले ये बहाली हुई थी। बिहार से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार के लोगों के लिए। हाँ दोस्तों, ये ऑल इंडिया लगभग है क्योंकि अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है। दोस्तों इसमें क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी है, कितने पोस्ट हैं, जो कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, दोस्तों सारे मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए सब कुछ जानने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है जीशान, स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये बहाली आई हुई है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको बड़ा करके आपको, स्टेप बाय स्टेप। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए सब कुछ जानने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है MVI और ESI के 303 पदों पर होगी बहाली। यहाँ दोस्तों हिंदुस्तान जॉब्स, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पटना का जो ये ब्यूरो का रिपोर्ट है कि परिवहन विभाग में 303 मोटरयान निरीक्षण यानी MVI वो अवर परिवर्तन प्राधिकारी ESI की बहाली होगी। 92 MVI वो 211 ESI की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। बिहार में अभी MVI के 69 सृजित पद हैं, इनमें सिर्फ 34 ही कार्यरत हैं, 35 पद रिक्त हैं और 57 नए पद सृजित किए गए हैं। वहीं ESI के भी 69 पद सृजित हैं, इनमें 42 कार्यरत हैं जबकि 27 पद रिक्त हैं। इसके अलावा 184 नए पद सृजित किए गए हैं। बहाली को लेकर वित्त विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो वित्त विभाग है उसने भी इसको हरी झंडी दे दी है, यानी सब कुछ रास्ता क्लियर है। ESI की बहाली पुलिस अवर चयन परिषद के कराने का निर्णय लिया गया है। MVI की बहाली राज्य तकनीकी आयोग या राज्य कर्मचारी चयन आयोग से होगी। यहाँ पर दिखा रहा है कि जो SSC है वो कराएगी। MVI के लिए अभी योग्यता ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में डिप्लोमा है, जैसे कि आप देख रहे हैं MVI के लिए आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में, लेकिन परिवहन विभाग विचार कर रहा है कि योग्यता इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल मैकेनिक रखी जाए, इसको बदलने पर विचार हो रहा है। दोस्तों अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जब ये वैकेंसी आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। इधर MVI की कमी से वाहन जांच में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए ये वैकेंसी लाया जा रहा है। परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षकों की भारी कमी है और एक निरीक्षक 2-3 जिले के प्रभार में है। पटना के MVI जहानाबाद वो अवर जिले के प्रभार में भी हैं। दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बताया पूरे डिटेल से कि क्या है, कितने पद हैं, कितने पद सृजित हैं, कितने नए पद आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है बिहार के लोगों के लिए और पूरे ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि ये दोस्तों सब लोग भर सकते हैं और बिहार लोगों को उसमें छूट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर बहाल होंगे 1800 अतिथि इंस्ट्रक्टर, ये भी आने वाले। दोस्तों ये जो PDF है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लोड कर सकते हैं, मैं लिंक में इसका दे दूंगा PDF, वहाँ से आसानी से आप देखकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबाइए, दोस्तों को जोर शेयर कीजिए, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जोर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।